हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक्नो शाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनडीआई के बारे में। एनडीआई को हम कैसे ओबीएस स्टूडियो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे एनडीआई प्लगइन को ओबीएस के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, वो सारी जानकारी आपके वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है एनडीआई क्या होता है, तो एनडीआई का मतलब है नेटवर्क डिवाइस इंटरफेस, यानी आप अपने नेटवर्क में एक साथ बहुत सारी डिवाइसेस को एनडीआई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके दो पीसी हैं, एक पीसी से आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, दूसरे पीसी पर आप गेम खेलना चाहते हो, यानी गेम आपका दूसरे पीसी पर चल रहा है और आप लाइव स्ट्रीमिंग आप दूसरे पीसी से कर रहे हो, तो उन्हें भी आप एनडीआई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एनडीआई को ओबीएस के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी पर एनडीआई के टूल्स को इंस्टॉल करना होगा। एनडीआई टूल्स इंस्टॉल करने के लिए मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको उस लिंक पर क्लिक करके एनडीआई टूल्स को सबसे पहले अपने पीसी पर इंस्टॉल करना होगा। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप एनडीआई टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप जाओ अपने गूगल पर और यहां पर आपको सर्च करना है एनडीआई। जैसे ही आप एनडीआई सर्च करोगे, यहां पर आप देख सकते हो जो पहली वेबसाइट आ रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ओपन कर लेना है। अब यहां पर एनडीआई की वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। यहां पर ऊपर की साइड आप देख रहे हो, यहां पर एक डाउनलोड एनडीआई टूल्स का बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक विंडोज का, एक मैक ओएस का। अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हो तो विंडोज सिलेक्ट कर लो, और मैक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो मैक ओएस आप सिलेक्ट कर लो। तो मैं विंडोज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं यहां पर विंडोज पर क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर ऊपर राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो यहां पर ndi6tools.exe एक फाइल यहां पर डाउनलोड हो चुकी है। यहां पर फोल्डर वाले आइकॉन पर डबल क्लिक कर देना है, तो ये फाइल हमारे सिस्टम पर डाउनलोड हो चुकी है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। अब यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इन्हें हमें एक्सेप्ट कर लेना है। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर कंफर्म कर देंगे इसे, और यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से एक बार नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब एनडीआई टूल्स हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो रहे हैं, तो यहाँ पर एनडीआई टूल्स हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुके हैं। एनडीआई टूल्स के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वेबकैम का ऑप्शन है, स्टूडियो मॉनिटर का ऑप्शन है, स्क्रीन कैप्चर का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एनडीआई टूल्स तो इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। एनडीआई टूल्स के बहुत सारे इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो एनडीआई हमारा पीसी के अंदर तो आ चुका है, लेकिन अब बात करते हैं कि एनडीआई टूल्स को हम ओबीएस स्टूडियो के अंदर कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। यहां पर मैंने अपना ओबीएस स्टूडियो ओपन कर लिया है, यह है ओबीएस स्टूडियो 31.1.2, ओबीएस स्टूडियो का सबसे लेटेस्ट वर्जन है ये। अब यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर हम एनडीआई को इस्तेमाल अभी नहीं कर पाएंगे। एनडीआई टूल्स को ओबीएस के अंदर इस्तेमाल करने के लिए आपको ओबीएस स्टूडियो के अंदर एक एनडीआई प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी। एनडीआई प्लगइन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको उस लिंक पर क्लिक करके एनडीआई प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो ओबीएस एनडीआई। ओबीएस एनडीआई जब आप सर्च करोगे तो यहां पर आपको पहली वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक कर दो। अब आप ओबीएस स्टूडियो की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, यहां पर आप देख रहे हो एक प्लगइन आपको दिखाई देगी, ये है डिस्ट्रो एवी नेटवर्क ऑडियो वीडियो इन ओबीएस स्टूडियो। ये प्लगइन हमें इंस्टॉल करनी होगी। प्लगइन को डाउनलोड करने के लिए यहां पर गो टू डाउनलोड का बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। विंडोज के लिए यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है, यहां पर आपको जो तीसरा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां ऊपर राइट हैंड साइड में एक exe फाइल डाउनलोड हो चुकी है, फोल्डर पर ओपन करेंगे इसे, के ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करना है। अब ये प्लगइन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है, इसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने ओबीएस स्टूडियो को रीस्टार्ट कर लेना है। ओबीएस स्टूडियो में यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर एक टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करो। अब आप यहाँ पर चेक करोगे तो जो हमारी प्लगइन थी डिस्ट्रो एवी एनडीआई, ये यहाँ पर आ चुकी है हमारे सिस्टम पर, ओबीएस स्टूडियो के अंदर ये इंस्टॉल हो चुकी है। इसके अलावा
अलावा यहाँ पर आप देखोगे OBS स्टूडियो के सोर्सेज में आप जाओगे, प्लस के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक NDI सोर्स का नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया है। यानी अब आप NDI सोर्स को अपने OBS में ऐड कर सकते हो। कोई भी NDI सोर्स होगा उसे आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा टूल्स पर क्लिक करो और यहाँ पर जो हमारी प्लगइन डाउनलोड हुई है इसके अंदर कुछ सेटिंग्स भी आप कर सकते हो। इसे ओपन करो तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मेन आउटपुट का ऑप्शन आ रहा है, इसे आप ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। इसके अलावा प्रीव्यू आउटपुट का ऑप्शन आ रहा है, ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। अब इसका मतलब ये है, जैसे आपका लैपटॉप है, मेरा ये लैपटॉप है, इसके अंदर मान लो मैं OBS इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस OBS का आउटपुट या प्रीव्यू मैं अपने किसी दूसरे PC में NDI सोर्स के थ्रू यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर मेरे कंट्रोल में ये है, मैं यहाँ पर मेन आउटपुट अगर देना चाहूँ तो मेन आउटपुट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके रखूँगा, ऑन करके रखूँगा। और अगर मैं प्रीव्यू आउटपुट दिखाना चाहता हूँ अपने दूसरे PC पर तो मैं उसे यहाँ से ऑन कर लूँगा। और अगर मैं दोनों यहाँ पर ऑन करके रखता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम दूसरे PC पर चेक करेंगे तो वहाँ पर हमारा मेन आउटपुट और प्रीव्यू आउटपुट दोनों वहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आप इसका कोई भी नाम भी रख सकते हो, जैसे मेन आउटपुट है, मेन आउटपुट में अभी यहाँ पर OBS लिखा हुआ है, मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ OBS लैपटॉप, जिससे आपको पता रहे, ठीक है। OBS लैपटॉप मैंने यहाँ पर लिख दिया और OBS प्रीव्यू यहाँ पर कर देता हूँ लैपटॉप। तो मैं यहाँ पर सबको ऑन करके रखता हूँ, मेन आउटपुट, प्रीव्यू आउटपुट और टैली वाले, ये सब कुछ हमें इनेबल करके रखना है। कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं चेंज करना है, बस आप यहाँ पर अपने नाम चेंज करना चाहो तो वो आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो। इसके बाद सिंपल यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आपको दिखाने वाला हूँ कि हम दो OBS को एक साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे लैपटॉप के अंदर हमारी यहाँ पर NDI प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है, तो यहाँ पर मैंने अपने PC के अंदर भी NDI प्लगइन को OBS के अंदर इंस्टॉल कर लिया है और अपने लैपटॉप के अंदर भी इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम अपने दोनों OBS स्टूडियो को ओपन करते हैं और अब आपको दिखाता हूं कि मान लो मैं अपने PC के OBS स्टूडियो को यहां पर लेके आना चाहूं लैपटॉप में तो कैसे लेके आ सकते हैं। तो यहां पर मैंने अपने गेमिंग PC के अंदर भी NDI टूल्स और OBS की NDI प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया है। यहां पर टूल्स पर जाके आप देखोगे तो यहां आप देख सकते हो हमारी जो प्लगइन है डिस्टॉर्ब AV NDI सेटिंग यहां पर शो हो रही है। इसके अलावा सेम ऑप्शन हमें यहां पर दिखाई देंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर भी वही सेम ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसका मैं नाम दे देता हूं, यहां पर OBS सुमित शर्मा आ रहा है, मैं यहां पर इसका नाम दे देता हूं OBS गेमिंग PC, जिससे आपको पता रहेगा कि कौन सा हमारा यहां पर शो होगा। OBS गेमिंग PC यहां पर नाम दे देता हूं, यहां पर भी मैं गेमिंग PC इसका नाम दे दे रहा हूं और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो मान लो यहां पर गेमिंग PC के अंदर मैं एक सीन चेंज कर देता हूं। गेमिंग PC में मान लो ये वाला सीन यहाँ पर चल रहा है, मान लो कोई हम गेम यहाँ प्ले कर रहे हैं, कुछ भी प्ले कर रहे हैं, तो ये वाला सीन मान लो हमारा यहाँ पर चल रहा है, इसे मैं अपने लैपटॉप वाले OBS के अंदर लेके आना चाहता हूँ तो कैसे लेके आएंगे वो आप देखिए। तो हम जाएंगे अपने लैपटॉप पर और लैपटॉप में यहाँ पर सोर्सेज में प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और हम जाएंगे NDI सोर्स पर। NDI सोर्स पर क्लिक कीजिए और उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको सोर्स नेम का ऑप्शन आ रहा है, इसके आगे एक टिक आ रहा है, एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करो। अब आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो श्याम बाबा PC OBS लैपटॉप, यानी हमारे लैपटॉप का जो NDI सोर्स आउटपुट है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमारा OBS प्रीव्यू लैपटॉप का आउटपुट यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो हमारा गेमिंग PC है OBS गेमिंग PC ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है और OBS प्रीव्यू गेमिंग PC यानी प्रीव्यू हमें देखना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ये वाला जो हमारा आ रहा है OBS गेमिंग PC, इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारे गेमिंग PC की जो विंडो थी वो यहाँ पर शो होने लगी है। इसी तरह से मान लो आप अपने गेमिंग PC के ऊपर कोई गेम प्ले कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसका आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आराम से आप यहाँ से लाइव कर सकते हो। मान लो अब मैं चाहूँ तो लैपटॉप से यूट्यूब फेसबुक जहाँ भी मुझे लाइव करना है मैं यहाँ से लाइव करता रहूँगा। इसके अलावा मुझे यहाँ पर अपना कोई फेस कैम लगाना है, कुछ भी लगाना है, कोई ओवरले लगाना है, वो सारा सेटअप मैं यहाँ से कर सकता हूँ और हमारे गेम की फीड NDI के थ्रू यहाँ पर आ रही है। तो गेमिंग PC पर मैं आपको सीन चेंज करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत ही मिनिमम डिले देखने को मिलेगा और क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन आती है। मान लो मैं यहाँ पर सीन चेंज कर देता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ सीन चेंज किया तो यहाँ पर भी आपका कुछ ही सेकेंड के अंदर सीन चेंज हो जाता है और क्वालिटी बरकरार रहती है। यहाँ पर मान लो मैं इसे क्लिक करूँगा, मैं जो भी सीन यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ तो इसका सीन हमारा तुरंत ही यहाँ पर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से
NDI का इस्तेमाल करके आप अपने दो PC को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। एक PC पर आप अपना गेम खेलते रहो और उस गेम को लाइव करने के लिए आप अपने लैपटॉप पर OBS स्टूडियो ओपन कर लो और यहाँ से आप लाइव करो और गेम आप अपने PC पर खेलो। इससे क्या होगा, आपका एक ही PC के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। NDI का इस्तेमाल करके मोबाइल फ़ोन के कैमरे को अपने PC पर वेब कैम की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप भी अपने मोबाइल फोन के कैमरे को वेब कैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। OBS स्टूडियो के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है, सीखना है, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, उसे देखकर आप OBS स्टूडियो को पूरी तरह से समझ सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।